देश के रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी हमारे साथ मौजूद है। कैसे चलेगी छुक छुक गाड़ी, क्योंकि अभी तक तो जिस तरह से हालात हैं देश में थमा हुआ है पूरा मामला, कैसे, क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा बड़ा रिफॉर्म हम आने वाले वक्त में, रेल बजट भी आने वाला है, तो कुछ रखें कि सुरेश प्रभु जी की जादू की छड़ी चलेगी? एक तो मैं रेल की क्या स्थिति है इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर निकाल रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे ठीक करिए, तो पहले डॉक्टर बोलेगा ठीक करने से पहले आप क्या है वो तो जानूं तो ही ठीक कर पाऊंगा। तो पहले डायग्नोसिस ठीक नहीं होगा तो उसका जो इलाज होगा वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए व्हाइट पेपर हम निकाल रहे हैं और इसमें सभी जो रेल की चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस है, वो लोगों के सामने आएगी। लोगों को यदि पता चलेगा ये स्थिति है तो लोग शायद उसके रिस्पॉन्ड भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसे मैंने 2002 में कहा था कि 60,000 करोड़ की चोरी बिजली क्षेत्र में होती है, और मैंने ये भी कहा था कि कुछ राज्य जो पिछड़े हुए राज्य है जिसमें जिस तरह से जो रफ्तार से विद्युतीकरण की योजनाएं जारी है उसी तरह से जाएंगे तो 150 साल तक विद्युतीकरण नहीं होगा। ये मैंने जानबूझ के इसलिए कहा था कि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि असलियत क्या है, बेस लाइन क्या है, आज की स्थिति क्या है। वैसे रेल में यदि आप चाहेंगे तो रेल की स्थिति बहुत नाजुक है, जिसको हम ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं कि जो एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में कितना अंतर है। तो जैसे हम अंग्रेजी में कहेंगे टू क्लोज फॉर कंफर्ट, तो इतना आज शायद हमारे पास कोई ऐसा पैसा नहीं बचा है कि जो हम खर्च नहीं पाते। सबसे ज़्यादा तो स्टाफ कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट इतनी कम होने के कारण, यानी कोई सरप्लस न होने के कारण, हम यदि एक एक बात तो एक 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 दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज 6 लाख से 8 लाख करोड़ तक की अनेक परियोजनाएं जिसका ऐलान पार्लियामेंट में लगातार किया गया और उसमें आज पूरी होने की कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि इतना कोई उसके लिए निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। तीसरी बात, हमारे जो सेफ्टी है रेलवे की, वो इतनी अहम बात है कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते जाते हैं, उनको इम्प्रूव करना है तो और एक इनको कस्टमर सर्विस, नया रोलिंग स्टॉक लाना पड़ेगा, नए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, उसके लिए भी आज मेरे हिसाब से कम 10-12 लाख करोड़ की ज़रूरत है। साथ साथ में आज हमारी जो डिमांड आती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से, मैं एक दिन आज ही पार्लियामेंट में बैठा था, आज के मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में कितने पैसे डिमांड किए नए प्रोजेक्ट के लिए। हाँ। तो आज के दिन ही 20,000 करोड़ की डिमांड आई। अभी लोग वो क्यों डिमांड करते हैं, उनको लोग उनके से डिमांड करते हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं। तो एक तरफ आपके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है और दूसरी तरफ निवेश की जरूरत जो है वो है, वो कितने लाख उसका कोई एक एकेडमिक इश्यू बन गया, 20 लाख करोड़ कहेंगे, 25 लाख करोड़ कहेंगे, कुछ नहीं। तो निवेश करने के लिए दो ही साधन है, एक तो आप ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ाइए, ऑपरेशन रेशियो कैसा बढ़ा सकते हो तो किराए बढ़ाइए। अभी लोग कहेंगे कि वो तो आपने बढ़ा दिया पहले, नहीं किराए बढ़ाए तो नहीं, लेकिन किराए बढ़ाने तो आप ही आज तक पहले शुरू करेगा कि अभी ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। तो इसके लिए सबसे पहले किराए बढ़ाने से पहले मैं मानता हूं कि लोगों को सेवा बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि सेवा बढ़ाएंगे तो लोग भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन तैयार होने के लिए उनसे भी कुछ हमारी उनसे उनकी जो हमारी तरफ से अपेक्षा है उसको भी पूरा करना चाहिए। तो एक ये सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता हूँ कि रेल में सफर करने वाला आदमी ये सोच के चले कि मैं प्रभु भरोसे ही जा रहा हूँ, तो ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमें किसी भी हालत में ओ प्रभु, आज तक का वो प्रभु की बात करो, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि ये स्थिति बरकरार रहेगी तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसीलिए हमने सोचा है कि किस तरह से इसको, ये जो विशेष सर्कल है, इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके लिए, सर्विसेज नहीं है, सर्विसेज नहीं इसके लिए कोई किराया देने के लिए तैयार नहीं, किराया नहीं इसके लिए रेलवे के फाइनेंसिस डबल में, इसको पूरी तरह से एक वर्चुअल सर्कल बनाने के लिए यदि हम बड़े पैमाने पे निवेश करते हैं तो ये साइकिल चेंज हो सकता है। ठीक है, ये निवेश आएगा कैसे ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन चूंकि दो बिंदु आपने उठाए हैं इसी के लिए बीच में आपको रोक कर दो सवाल। आप जनरल कंपार्टमेंट में बढ़े चढ़े क्या किसी ट्रेन में? हमें हर जगह तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफ़ी जगह में मैं जाके आया हूँ। हाँ। और मैं तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी गया हूँ, सब जगह मैं ढिंढ के, लेकिन देखिए ये स्थिति मुझे भी मालूम है। मैं तो ऐसे जनरल कंपार्टमेंट में कभी चढ़े हैं? नहीं, ऊपर से तो नीचे नहीं आया, मैं तो नीचे से ऊपर आया हूँ, तो मैं समझता हूँ, सभी स्थिति को जानता हूँ। मैं सबर्बन रेलवे से भी ट्रैवल किया हूँ, थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में, स्लीपर से भी गया हूँ, तो मुझे पता है। इसके लिए कोई इसके लिए जाने की जरूरत नहीं कि एक लगे कि मैंने कुछ किया। मैं सभी समस्या को जानता हूँ और अभी उसको मैं अभी आपको जो विवरण किया उससे भी मैं बता सकता हूँ। और मेरे पास एक अभी हम एक कस्टमर सर्विस पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हर आदमी कहीं भी रहे उसको कस्टमर सर्विस आनी चाहिए, उसको कंप्लेंट मिलेगी, रिड्रेसल होने की संभावना होनी चाहिए। लेकिन ये सब मैं कह रहा हूँ, ये सब करने के बाद भी
एक जो बुनियादी सवाल आता है कि रेलवे को ठीक कैसे किया जाए, जो आप चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ रेलवे को ठीक करने के लिए पहले तो निवेश करना होगा उसके गवर्नमेंट। हाँ, निवेश पे मैं फिर आऊंगी, लेकिन एक और सवाल मेरा छूट गया था। आपने कहा सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन सुरक्षा पर कुछ कदम उठाने से पहले नई दिल्ली में वाईफाई, ये अब ये प्रायोरिटी की बात है। तो क्या सुरेश प्रभाकर प्रभु के लिए रेल मंत्री के तौर पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वाईफाई लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सरकार सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करती है, या फिर अनमैन्ड क्रॉसिंग्स पर सुरक्षा करना या गुमटी लगाना वो महत्वपूर्ण? देखिए, आपको अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग देश में 11,300 के आसपास है, उसको ठीक करने के लिए 30,000 करोड़ चाहिए। तो यदि क्या वाईफाई 30,000 करोड़ में लगाया कि हम जो देखो हम लोग अननेसेसरी प्रायोरिटी नहीं वही मैं कहता हूँ, सो प्रायोरिटी करने के लिए वाईफाई नहीं करेंगे तो क्या 11,300 अनमैन लेवल क्रॉसिंग ठीक हो जाते थे? तो अनमैन लेवल क्रॉसिंग वाईफाई, लोगों की सुरक्षितता, लोगों की सफाई का काम करना, ये सब पैरेलल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाईफाई लगा इसके लिए 4 लेवल मैन क्रॉसिंग रुक गए, ऐसा तो नहीं है। कि तत्परता किस तरफ ज्यादा है उससे जनता आंकेगी कि सुरेश प्रभु जी को हमारी चिंता ज्यादा है या वाईफाई की? अरे मैं वही कह रहा हूँ, वाईफाई और हाईफाई में फर्क है। तो ये हाईफाई के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक जो आम जनता है उसको भी। आज आप सोचेंगे आम जनता कौन है, अभी हम सोचेंगे 900 मिलियन टेलीफोन यूजर हम कहते हैं कि 90 करोड़ लोग आज मोबाइल को यूज करते हैं, उसमें से काफी लोग वाईफाई भी यूज करना चाहेंगे। या वाईफाई की सेवा दी, इसका मतलब हमने अनमैन लेवल क्रॉसिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है ना कि पानी पिया उसका मतलब खाना नहीं खाएंगे। आप जल्द से जल्द कदम उठाएंगे ना इसके लिए भी? सब बिल्कुल। चलिए ठीक है, अगले सवाल पर पहुंचते हैं। टिकट, ये लाइसेंस परमिट राज में हिंदुस्तान जीता रहा है। बेटा अप्लाई करता, पिता अप्लाई करते थे तो बेटे को मिलता था, अब टिकट में एक अलग डोमिनेशन है, और वो है कैसे टिकट काउंटर खुलते ही दलाल टिकट्स ले लेते हैं, अब आपको फिर उसके बाद से उनका पीछा करके टिकट्स लेने होते हैं। ये सिस्टम कैसे बदले? अभी इसमें काफी के पास आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? एग्जैक्टली, एक तो देखिए हमारे पास एक क्रिस करके है, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको कल ही मैंने उनके साथ में हमारी लंबी 6-7 घंटे बातचीत हुई। हम अभी ये कोशिश करें कि हम मोबाइल पे आप टेलीफोन बुक कर सकते हैं। अभी सब जगह नहीं, अभी शुरू कर रहे हैं जहाँ पे सबर्बन रेलवे, क्योंकि वहाँ पे लोगों की कतार ज़्यादा होती है। आप मोबाइल पे जाने से पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मोबाइल पे ऊपर फीड इन कीजिए, आपको एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर आप फीड इन कर दीजिए, आप जहाँ पे डिस्पेंसर लगाए होंगे आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, उसको नंबर कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको टिकट मिल जाएगा, कतार में खड़े रहने की जरूरत ही नहीं है। एक तो यही बात हो गई। दूसरी बात, आज आप इंटरनेट पर टिकट्स बुक कर सकते हैं पूरी तरह से। अभी ये स्थिति आ गई है कि आप इंटरनेट पे टिकट बुक करते जाएंगे तो शायद जो ऐसे जो जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं, जैसे इसके वाईफाई और उसकी बात आ गई, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि डिजिटल डिवाइड का भी इश्यू है, सब लोग तो डिजिटली अभी तक लिटरेट नहीं है, ऐसे नॉन हाईफाई है उनका क्या हो? संख्या कम है लेकिन है, फिर भी है, तो उनके लिए भी, तो इसके लिए उसका ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि सोशल नेसेसिटी और एफिशिएंसी को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये भी एक है। तीसरी बात, हम अभी फूड, ये आपको शायद सुन के हैरानी होगी, हम एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे लॉन्च कर रहे हैं। खाने की बहुत बड़ी समस्या लोगों को, जो कस्टमर सर्विस में 3-4 चीज़ आती है, एक तो लीनियन जो आप लोग चादर लेते हैं, उसके लिए हम एक बेस्ट लॉन्ड्रीज देश में 50-60 बनाएंगे, इसके लिए रियली गुड क्वालिटी लीनियन लोगों को मिले खाना। ऐसे 60-70 ज़्यादा हम बेस्ट किचन बनाएंगे जहाँ पे एकदम टॉप क्लास मेकनाइज खाना बने, क्वालिटी मॉनिटर की जा सकती है, क्योंकि सोर्स पे मॉनिटर कौन करेगा? सरकारी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो क्या करेंगे? सरकार लालू जी आते हैं, लिट्टी ले आते हैं, ममता जी आती है माछेर बात, सरकार उसका नियंत्रण सरकार का ही होगा, लेकिन वो किस तरह से किया जाए, हमारी जो कंपनी है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड रिजर्वेशन सर्विस, वो लोग उसकी तरफ से करेंगे, लेकिन वो बेस्ट किचन बनेगी। उसके बाद में कुछ लोगों को चाहेंगे कि तो क्वालिटी कंट्रोल होगी दोनों की, लेकिन फिर भी लोग चाहेंगे कि हमको ये खाना रेल का नहीं पसंद है, मुझे कहीं कैनॉट प्लेस से खाना खाना है दिल्ली रेलवे, न्यू दिल्ली रेलवे जाने के पहले, तो मोबाइल पे इस तरह के जो क्लोज बाय रेस्टोरेंट्स है वहाँ से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं, उसका डिलीवरी रेल स्टेशन पे दिया जाएगा, ऐसा भी हम सोच रहे, काम चालू है। तो ये भी हो सकता है, जिसके लिए जो चाहे उस तरह से उसके मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ से कस्टमर सर्विस में काफ़ी बड़े पैमाने पर सुधार आ सकते हैं, लेकिन ये भी आने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत ही छोटी तरह से होंगे, जो लॉन्ग टर्म एक क्वालिटी ऑफ रेलवे सर्विस इंप्रूव करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर रेल सेक्टर में निवेश करना होगा। निवेश के लिए पैसे की जरूरत है, पैसे आने के लिए शायद हम, जैसे मैंने कहा कि मैं तो नहीं चाहता हूँ कि पहले किराया बढ़ाया जाए और बाद में किया जाए, साथ साथ में हम लोग किराया तो जितना उसका बर्डन है वो तो थोड़ा लोगों के साथ में शेयर करना ही होगा, लेकिन साथ में ही
हम यदि बड़े पैमाने पे निवेश करके सेवाओं को बेहतर बनाते हैं तो मुझे लगता है कि लोग भी खुद आकर कहेंगे कि हम भी कुछ आपको इसके हमारा भी योगदान देना चाह रहे हैं। बुलेट ट्रेन कितना फीजिबल है? कह रहे भारतीय रेल जैसा आप राजू श्रीवास्तव जी भी कुछ देर पहले बता रहे, खाट लगाकर लोग लेटे रहते हैं, एक अलग व्यवस्था है। और चाइना में खुद हम लोगों ने बुलेट ट्रेन देखी है, बहुत लीनियर तरीके से जाना होता है, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, ट्रेन में आप बैटरी रख दीजिए, अंडा रख दीजिए, हिलता तक नहीं है। उस तरह का सिस्टम क्या हिंदुस्तान में फीजिबल है? एक तो बुलेट ट्रेन जिसको हम कहते हैं, मैंने हमारे अधिकारियों को कहा है कि उसका एक इंडियन नाम देना चाहिए। हाँ। ये तो बुलेट तो अभी आजकल जरा टेक्नोलॉजी बढ़ कुछ सोचा आपने तो कुछ हमारा कुछ भी हमारी देखते तो कि लोगों को फर्क समझ सके कि एक्चुअली व्हाट वी मीन बाय बुलेट ट्रेन, कि उसका स्पीड कितना होना चाहिए। कुछ नया नाम लेकिन हमारे दो तीन तरह के उसमें एक हम काम करने की सोच रहे हैं। एक तो एक सुपर फास्ट ट्रेन, एब्सोल्युटली जो सुपर फास्ट भी नहीं बुलेट ट्रेन जिसको बुलेट कहते हैं, लेकिन इट विल गो बियॉन्ड 300 किलोमीटर और समथिंग लाइक दिस। तो सेकंड कैटेगरी कि जो आज के स्पीड से काफ़ी रफ्तार अच्छी रहेगी लेकिन उतनी नहीं रहेगी जितनी बुलेट ट्रेन की होती है। और इसीलिए और तीसरे जो आज की जो ट्रेन चल रही है उसमें भी देयर इज अ ट्रेमेंडस स्कोप फॉर इम्प्रूविंग द स्पीड। वो किससे होगा? तो एक तो जो डेडिकेटेड एक बुलेट ट्रेन के लिए तो एक डेडिकेटेड ही पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक ये टेक्नोलॉजी आज देश के पास नहीं है। इसके लिए या तो चीन या जापान या दोनों जो जिनके पास है उनको, फ्रांस, ऐसे लोगों के साथ में पहले से ही बातचीत चल रही थी, उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए उसके लिए सोच रहे। दूसरा जो है ये शायद हम भी खुद ही कर सकते हैं। और तीसरी जो उसमें खुद टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं, उसमें सिर्फ मैनेजरियल चेंजेस करने होंगे। जैसे कि हमने देखा है कि हमारी सिग्नलिंग सिस्टम इम्प्रूव होती है। आज क्या होता है कि आज सबर्बन ट्रेन भी आपने देखे होंगे, दो दो तीन तीन मिनट में चलते हैं। विदेश में भी ट्रेन उसी रफ्तार से चलते हैं। उसकी सिग्नलिंग सिस्टम अच्छी होगी, सेफ्टी को गारंटी की जा सकती है, तो आज के ट्रैक पे ही हम और ज़्यादा ट्रेन ज़्यादा स्पीड से चला सकते हैं। दूसरी बात जो हमारी जो प्रोसीजर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या आप शताब्दी राजधानी जिस स्पीड से जाती हैं उसकी और जो बुलेट्स की चाइना जापान में 302 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है उसके बीच में कुछ कह रहे हैं? हाँ, जैसे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, नहीं तो ये बुलेट ट्रेन मतलब धोखा था क्या? हिंदुस्तान में नहीं हो हम देखेंगे? नहीं नहीं, वो बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए थोड़े से जो चेंजेस करने की जरूरत है, जैसे हमारे रोलिंग स्टॉक को भी थोड़ा चेंज करना होगा, सिग्नलिंग सिस्टम को लेना होगा, फिर जो इंटरप्शन आते हैं जैसे अनमैन क्रॉसिंग है वैसे मैन क्रॉसिंग भी है वहाँ पे भी जो एक उसके लिए कुछ ब्रिज बनाना होगा। चलिए मैं अब सवाल दूसरे नजरिए से पूछूं, ये बुलेट ट्रेन जो आप लोग बता रहे हैं कि देश को देंगे इसकी रफ्तार क्या होगी? वही अभी उसकी तो फ्री फिजिबिलिटी स्टेज पे अभी है। चीन और जापान दोनों को हमने कहा, अहमदाबाद और मुंबई और दिल्ली टू चेन्नई, ये दोनों के लिए अभी जब चीन के प्रधानमंत्री आए थे, प्रेसिडेंट आए थे, उस समय उनके साथ समझौता हुआ, उसमें ये भी एक सम्मिलित है। जापान के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के बीच में जो सुझाव हुआ उसमें भी मुंबई और अहमदाबाद के लिए भी हम सोच रहे हैं। लेकिन ये दोनों ट्रेन फिर उसी स्पीड से चलेगी जो 300 से ऊपर उसके अभी तो प्रीफिलिट नहीं हुई है। इसके लिए इंडियन कंडीशन में कितनी होनी चाहिए, लेकिन टारगेट तो वही होगा, टारगेट वो होगा। तो मतलब आप फीजिबल कम से कम इन दो रोड्स पर शुरुआत के लिए 250 होता है या तो अभी जिस तरह से वहाँ देखेंगे उसको पता चलेगा, लेकिन काफ़ी मच हायर स्पीड कि आज के स्पीड से बहुत ज़्यादा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर जो बार बार जहाँ पर टक रहे थे, निवेश कैसे आएगा? ऐसा क्या आप करेंगे कि लोग निवेश करेंगे और बेहतर करेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी कई लोग थे जिनका कहना था बोर्ड वही, मेंबर्स वही, जो कि अभी तक एकदम लिथार्जिक एटीट्यूड अपना कर चल रहे थे, उन सबको सुरेश प्रभु कैसे ऐसे ठीक कर देंगे? एक तो देखिए मुझे एक तो स्ट्रक्चरल चेंज इज वन पार्ट कि स्ट्रक्चर कैसा हो उसके लिए एक हमारी कमेटी भी काम कर रही है, विवेक देवराय। लेकिन मैं समझता हूँ यदि आपके लोगों को पता चले कि हम किसके लिए काम करें, जैसे कि मैंने चार्ज लेने के पहले दिन, चार्ज जब लिया मैंने उससे चार्ज ऑफिस में जाने के पहले, वो जो रेल के अधिकारी मुझे ऑफिस लेने जाने को आए थे उनको मैंने कहा कि मेरा पहला निर्णय यह है कि एक भी टेंडर मेरे पास नहीं आएगा। अभी जब एक हम कभी बात करें कि 8-10 लाख करोड़ के निवेश की, तो इसमें तो छोड़ दीजिए अभी करंट भी, एक रुपए का भी टेंडर मेरे पास नहीं आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बने। इसके लिए मैंने ऑर्डर दे दी, उसके बाद में मैंने श्रीधरन जी को बुलाकर उसको स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना चाहिए वो भी किया, एक बात। दूसरी बात हमने कहा कि जिस तरह से डिसीजन मेकिंग है, क्यों कहा, तो डिसीजन मेकिंग शुड गो टू द जनरल मैनेजर्स, नॉट रिमेन विद अस, बिकॉज दे आर द वंस हु आर टेकिंग एक्शन। अब लोगों के सवाल लेते हैं। जिस स्टेट का रेल मंत्री बनता है, चाहे वो बिहार का हो या बंगाल का हो, सब मंत्री जो हैं ट्रेनों का रुख बजट में अपने स्टेट की तरफ मोड़ देते हैं, तो रूट चेंज कर देते हैं उधर से बिहार या बंगाल से होते हुए।
आप महाराष्ट्र से हैं तो क्या महाराष्ट्र की तरफ रूट मोड़ दिए जाएंगे और ट्रेनें वहाँ ज़्यादा चलाई जाएंगी, नंबर वन। नंबर टू, आपने का खस्ता हालत है रेल विभाग की, क्या उसके लिए टिकट महंगे किए जाएंगे, रेट बढ़ाए जाएंगे? क्योंकि दिनेश त्रिवेदी ने अपनी नौकरी गंवाई थी इसीलिए कि ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया था उन्होंने जब रेट बढ़ाए थे। वो काम सरकार ने इनके आने के पहले कर दिया थोड़ा। नहीं देखिए, मैं देश का रेल मंत्री हूँ, वैसे तो देश में भी कहाँ तो देश कहीं ना कहीं से तो आता है, इसके लिए देश के साथ जुड़ जाता है। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा जन्म हुआ था, चार टाइम लोकसभा में वहीं से चुन किया, लेकिन अभी सांसद मैं हरियाणा का हूँ। हाँ। तो इसके लिए मैं सही माने में देखा जाए तो मैं पूरे देश से वाले खुश हो जाए, देश को ठीक करने का काम करेंगे, उसमें हर राज्य को हर तरह से न्याय देने की कोशिश करेंगे, उसमें महाराष्ट्र भी आएगा, हरियाणा भी आएगा और बाकी के जो हमारे 28 राज्य बसते वो भी आ जाएंगे। रेल मंत्री साहब, देश की सबसे पहली प्राइवेट रेल, निजी रेल कब दौड़ेगी और ऐसा क्यों है कि अगर हमें ट्रेन में सफर करना होता है तो हमें भारत सरकार के ही भरोसे सफर करना होता है, किसी प्राइवेट कंपनी के भरोसे सफर करने का मौका हिंदुस्तान में क्या मिलेगा? प्राइवेटाइजेशन को लेकर आपके क्या प्लान्स? देखिए, एक तो ये ना, मुझे लगता है कि हम इस डिबेट को आइडियोलॉजिकल नहीं बनाना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन करने से सब सवाल हल नहीं होंगे और प्राइवेटाइजेशन न करने से सभी समस्याएं, इस तरह से सोच के नहीं चलना चाहिए। वी शुड बी क्लियर अबाउट द आउटकम्स, हमें आउटकम क्या चाहिए। यदि रेल को किस अच्छा बना उसका मतलब क्या हुआ कि रेल प्राइवेटाइजेशन हुआ इसके लिए अच्छा बना कि रेल के सर्विसेज के आउटकम जो है वो अच्छे बने इसके लिए अच्छा बना। यदि हमें आउटकम क्लैरिटी है, इसके लिए मैंने कहा कस्टमर सर्विस, सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी, लोगों की आज जो और भी जरूरत जिस तरह से बढ़ रही है उस जरूरत आपूर्ति करने के लिए आवश्यक होने साधन, यदि ये आउटकम है तो ये आउटकम फुलफिल करने के लिए रेल के पास कितने संसाधन है और उसके लिए सप्लीमेंट करने के लिए और किस लोगों को लाने की जरूरत है, ये जी पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमारा बनेगा। जो राहुल पूछ रहे हैं एविएशन में जैसा है वैसा यहाँ पर क्यों नहीं, कॉम्पिटिशन क्यों नहीं, क्यों ना मुझे हक है कि मैं बेहतर तरीके से देना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेल बहुत सारे देशों में आज भी गवर्नमेंट के हाथ में है, ऐसा कि नहीं है कि एक रेल कोई आज भी काफी बहुत जाने जाते हैं ना नए कदम उठाने के लिए। जी आप तो जैसे पावर रिफॉर्म्स लेके आए थे, आप जाने जाते हैं नए कदम उठाने के लिए पावर सेक्टर में, तो मैं इसके लिए कर रहा हूँ पावर सेक्टर में, मेरा ये कहना था कि आउटकम पहले क्लियर होने चाहिए जो सिम हमें क्यों कर पाए, क्योंकि आज भी पावर सेक्टर का जो एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन अब निजी क्षेत्र से हुआ, इसलिए क्षेत्र में क्या सुधार हो सोचना चाहिए, वो सुधार करने की स्थिति में कौन कौन लगाएंगे सोचना चाहिए और इसके लिए काफी रोड मैप बनाना चाहिए। ऐसे कल से चालू करेंगे इसका मतलब नहीं होता है। प्राइवेटाइजेशन आपके प्लान्स पे नहीं है? किसने कहा? इसके लिए आप लोग ये हम लोग गलत सभी चीज़ों को ख्याल में लेते हैं, हमारे पास यूनियंस है, सबके साथ हमको बात चली है। मैंने आपको कहा आउटकम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज ऑलरेडी हैपनिंग विच विल हैपन ऑन अ मोर स्केल, बट प्राइवेट पार्टिसिपेशन हैज टू हैपन इफ अ डिफरेंट काइंड डिफरेंट टाइप्स। जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन अब रोड में होता है वही रेल में नहीं हो सकता, जो एयरपोर्ट में, इसके लिए क्या मॉडल इंडियन रेलवे के लिए होना चाहिए उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। और 100% FDI? ऑब्वियसली FDI has been announced already कि रेलवे में FDI is allowed। उसको हम जमीन पर कब देखेंगे कि उससे कुछ होता हुआ दिख रहा है? आप आज पॉलिसी है जमीन पर आने के लिए, वहीं निवेश करने वाला तो मैं कह सकता हूँ कल करूंगा, क्योंकि FDI में वहीं निवेश करने वाला हूँ, वो अभी डिपेंड करता है जो फॉरेनर्स आके इन्वेस्ट करेंगे वही जमीन पे होगा। कैसे आप उनको कैसे आकर्षित करेंगे? अरे उसके लिए तो पॉलिसी बनाई गई है, रोड शोज कर रहे हैं अभी, उसके बाद में वो भी उनको भी आना चाहिए इसमें। लेकिन मेरा सवाल आपको जो है वो मुंबई के लोकल ट्रेन को लेकर है, क्योंकि आपने कहा कि आपने खुद लोकल में यात्रा की हुई है और जिस तरीके की हालत अर्बन ट्रांसपोर्ट की है इस वक्त, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, लोकल ट्रेन्स की है, वो देखते हुए वहाँ पर कोई सफ़र कर सकता है ऐसा लगता नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं एक, और दूसरा रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर जिस तरीके के अलग अलग स्टेट्स में आंदोलन हुए थे तो उसको लेकर रेलवे का क्या रवैया रहेगा, क्योंकि काफ़ी वायलेंट एजिटेशंस हुए थे उसको लेकर, आपको पता ही है महाराष्ट्र में क्या हुआ था उसमें, तो उसको लेकर आपका क्या रवैया रहेगा और किस तरीके से आप उसको करेंगे? देखिए, एक तो सबर्बन रेलवे गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज, तो इसके लिए रेलवे ही जैसे सरफेस रेलवे उस पर तक ही सीमित नहीं हो सकता, इसके लिए हम लोगों ने मेट्रो का आइडिया पूरे देश में निकाला और पूरे विश्व में ऐसे चलता है, और मोनो रेल जो ऊपर से चलेगी। मुझे लगता है रेलवे एंड मेट्रोज एंड अगेन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर हैज टू बी अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन बिटवीन दैट इंक्लूडिंग द बसेस ट्राम्स, दैट इज हाउ इट हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके लिए हमने मुंबई के लिए एक सेपरेट कॉरपोरेशन बनाकर उसकी शुरुआत की थी। आज ही मैंने सभी चीफ मिनिस्टर से वही बातचीत कर रहा हूँ कि हमारे जो मेजर सिटीज़ है उसके लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह से हो, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह से हो, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए हम एक स्पेशल कॉरपोरेशन हर स्टेट में बना सकते हैं, हर राज्य के लिए बना सकते हैं और सिटी के लिए भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक मल्टी एजेंसी अप्रोच से ही हमारी एक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि आज मेट्रो है, दिस इज लुक्ड आफ्टर बाय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री,
रेलवेज डोंट लुक आफ्टर इट एक्सेप्ट इन कलकत्ता. तो इसलिए इस तरह की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करने की जो जरूरत है, साथ साथ में यही उसमें एक तो हमारी पैसेंजर मोड का हुआ, हमारा जो फ्रेट है वो भी मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज द 2/3 ऑफ द रेवेन्यू रेलवे का उधर से वहीं से आता है. तो मुझे लगता है इसके लिए भी एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है. कैबिनेट में भी हम जल्दी जाएंगे. उसमें यह है कि रेल, सीपोर्ट, एयरपोर्ट और रोड चारों को मिलकर गुड्स मूवमेंट का जो होता है उस तरह के मल्टी मॉडल किस तरह से बनाया जाए, उसके लिए हम ही इनिशिएटिव ले रहे हैं रेलवे की तरफ से. अभी अभी हमने उनको निर्देश दिया है. तो मुझे लगता है ये भी एक यदि आगे चलेगी बात तो ये दोनों को मिलकर हमारी हो जाएगी. और खास करके सबर्बन रेलवे के लिए ये तो एक पॉलिसी अप्रोच हो गया. मैं समझता हूँ मुंबई में अभी और कुछ दिनों में भी, जब मैंने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को भी कहा था, उनकी जो पार्लियामेंट उनका भी असेंबली सेशन है, उसके बाद में मुंबई में मैं मंत्री चीफ मिनिस्टर और हमारे नितिन गडकरी जी, क्योंकि उनके पास BPT की लैंड है तो उसको इंटीग्रेट करके हम और या कि एलिवेटेड कॉरिडोर बना सकते हैं. उसकी जो हमारे जो कोचिस है वो कोचिस को एयरकंडीशन कोचिस में परिवर्तन करके उसको चलाया जा सकता है. साथ साथ में कुछ डबल डेकर भी बनाए जा सकते हैं. इस तरह के काफ़ी सारे पर्याय के ऊपर विचार चला है. लेकिन यह राज्य को उसमें लाना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं होगा तो लोग स्टेशन तक आ जाएंगे और आगे जाने के लिए कोई सुविधा नहीं. इस तरह की भी जो परेशानी आती है उसको भी हम हल कर पाएंगे.